गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको टमाटर के बारे में बहुत ही डिटेल और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारी जर्नी रही है, जर्मिनेशन से लेकर के रिपॉटिंग लेकर के उसके बाद पौधे कैसे लगाए जाएंगे उसको लेकर के ज़रूर बताना है आपको कि जो टमाटर है वो मिट्टी के टच में आने के बाद बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है। तो टमाटर में सबसे ज़रूरी होता है कि पौधा जैसे ही आपका 6 इंच का होता है उस समय आपको स्टेकिंग कर देनी चाहिए। स्टेकिंग से मेरा मतलब यह है कि आपको पौधे को भरपूर सपोर्ट देना है और ये ध्यान रखना है कि जब पौधा थोड़ा बड़ा होने लगे, तो जैसे ही पौधा बड़ा होने लगेगा तो साइड से बहुत सारी शूट्स निकलती हैं नीचे से, तो अगर नीचे से शूट्स निकलेंगी तो पौधा बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं होगा। जब पौधा ऊँचा ज़्यादा नहीं होगा तो ऊपर वाले में फल बहुत कम आएगा। इसलिए सबसे पहला आपको काम यह करना है कि जो नीचे से साइड में शूट्स निकलती हैं वो उसको पहले काट दें और 6 इंच का पौधा जैसे ही हो, क्योंकि इसमें कोई ताकत नहीं होती इस पौधे के अंदर में, तो इसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। सपोर्ट सिस्टम कई तरीके से हो सकता है। मिलेंगे सबसे पहला लिंक मिलेगा कि किस ग्रो बैग में, किस साइज से ग्रो बैग में लगाना है आपको, उसकी मिट्टी की प्रिपरेशन जो थी वो कैसे करनी है लगाने के लिए, और तीसरा जर्मिनेशन के लिए जो सीड बेड प्रिपरेशन है प्रोट्रे में वो कैसी करनी है। तो आप तीनों लिंक देखें और अभी मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव बताने वाला हूँ टमाटर के बारे में, आप वो लिंक ज़रूर देखें। मैंने जो आपको अभी तीनों लिंक बताए थे उस तीनों लिंक को आप ज़रूर देखें। लिंक में आपको मिलेगा कि पौधा कैसे जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद कैसे आपने ग्रो बैग, छोटे ग्रो बैग में 3 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट किया, उसके बाद आपको ग्रो बैग में शिफ्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ग्रो बैग की जो मिट्टी का प्रिपरेशन है वो आपको कैसे करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 30% जो है वो पिछले साल की यूज्ड खाद होगी या मिट्टी होगी, 60% इसके अंदर में वर्मी कंपोस्ट होगी और 10% कोकोपीट होगी। कोकोपीट जो है वो जब आप पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो 3 इंच का इतना बड़ा, ये दिस इज 3 इंचेस, 3 इंच का गड्ढा आप खोद दें और जो प्रोट्रे से पौधा निकल करके ग्रो बैग में गया है छोटे ग्रो बैग में, उसको पन्नी फाड़ लें और गड्ढा खोद करके 6 इंच चारों तरफ खाली कोकोपीट रखें, और कोकोपीट के चारों तरफ जो मैंने आपको प्रिपरेशन बताई है मिट्टी की और वर्मी कंपोस्ट की वो आप डाल दें, और उसके बाद पौधा लगा करके आप उसमें पानी डाल दें। करीब 15 दिन के बाद पौधा आपका जो है वो ग्रो बैग से अकस्टम्ड हो जाएगा, चलने लगेगा। जब पौधा आपका 6 इंच का पौधा हो जाए तो उसके बाद चारों तरफ से स्टेकिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। स्टेकिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको सपोर्ट नहीं देंगे तो वो बिल्कुल गिर जाता है पौधा। तो आपको आइए बताते हैं कि स्टेकिंग क्या होती है। ये देखिए, ये आप पौधे में देखिए, ये पौधा मैंने ये ग्रो बैग है, इस ग्रो बैग की जो साइज़ है वो 1.5 फीट बाई 3 फीट है। इसके अंदर वही मिट्टी का कंपोजिशन जो था वो था, और इसमें देखिए ये मैंने पूरा सपोर्ट जो है दे करके, आप इधर देखें, ये यहाँ से ये सबसे पहले शुरू में जब पौधा बड़ा हुआ था तो मैंने यहाँ बांधा, उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो यहाँ बांधा, उसके बाद ये बड़ा हुआ। मैंने आपसे ये भी बताया था कि जो साइड से शूट्स निकलती हैं, देखिए यहाँ से निकली थी वो मैंने काट दिया, यहाँ से निकला वो काट दिया, ये काट दिया, सिर्फ मैंने जो है 2 शूट अलाउ करी हैं। अब आप देखें कि इसके अंदर में कितना ज़बरदस्त टमाटर जो हुआ है। लखनऊ में आज का जो टमाटर, आज का जो टेम्परेचर था कल का था वो था 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें इस पौधे की स्थिति इतनी अच्छी है, इसमें दिन में 2 बार पानी डालना पड़ रहा है। आप देखिए टमाटर, इसी से ये किया हुआ टमाटर, ये देखिए इस टमाटर का वज़न जो है 400 ग्राम है इसी टमाटर का, ये इसी पौधे से तोड़ा गया है। ये लाइन से पौधे लगे हुए हैं, आप देखें इधर ये लगे हुए हैं पौधे सब ऊपर तक, देखिए ये अभी भी सस्टेन कर रहा है, ऊपर देखें अभी भी सस्टेन कर रहा है, नीचे पक रहा है, और चारों तरफ आप देखें इधर मैंने, चूँकि पौधा ये 6 फिट का हो गया है तो मैंने इसको ऊपर से नीचे तक बांध दिया, एक भी टमाटर इसमें जो है वो ख़राब नहीं होगा। इसी से एक टमाटर के पेड़ से 10 से 12 किलो टमाटर,
निकल चुका है, ये तीसरी खपत है। ऑलरेडी मैं इसमें से काफ़ी टमाटर तोड़ चुका हूँ, जैसे आपको दिखाता हूँ, ये इन्हीं सब पौधों का टमाटर जो है कुल मिला के मेरे पास 30 पौधे हैं, और मैं पिछले 3 महीने से लगातार टमाटर तोड़ रहा हूँ। आज तक मैंने टमाटर ख़रीदा नहीं है 3 महीने में, और हमारे ब्लॉक के जितने भी लोग रहते हैं उनको खुली छूट है, चारों तरफ टमाटर फला हुआ है, आकर के वो खाते रहते हैं। इस टमाटर की जब आप प्रॉपरली करेंगे तो इसकी आप फर्मनेस देखेंगे, ये टमाटर इतना फर्म है, ये टमाटर आप देखें इसकी फर्मनेस, कैलिक्स देखें कितना अच्छा है। ये टमाटर को तोड़े हुए अभी 2 दिन हुए हैं, ये टमाटर आप 5 से 6 दिन तक रख सकते हैं। इस तरीके से आप इस साइड में देखें टमाटर, मैंने आपको इधर पीछे दिखाया, इस तरीके से पूरे के पूरे तरफ टमाटर जो है वो लगा हुआ है। और ये 2 टमाटर जो मैंने लगाया है ये थर्मोकोल में लगाया है, तो थर्मोकोल में भी जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है टमाटर की। दिन इसमें पानी जो डालें वो आपको शाम को सूर्यास्त के समय एक बार पानी डालना है, शाम को 5:30-6 बजे के आसपास, और खाली ऊपरी हिस्से पर पानी ना डालें, क्योंकि जो इसकी जड़ है वो काफ़ी नीचे जा चुकी है। यहाँ देखिए ये थर्मोकोल है, तो इसकी ये थर्मोकोल की हाइट जो है वो 1.25 फीट है, इसकी जड़ यहाँ तक चली गई है। तो आपको इतना पानी डालना है कि पानी नीचे से निकलने लगे, तो शाम को 1 बार 6 बजे डालें और 1 बार सुबह 8 बजे के आसपास पानी डालें। और ये टमाटर अभी जो आप जो कच्चा टमाटर देख रहे हैं, इसमें से ये टमाटर कच्चा लगा हुआ है, इधर देखिए ये कच्चा लगा हुआ है, ये अनराइप टमाटोज है, ये अभी कम से कम 1.5 से 2 महीना ये टमाटर चलने वाला है। तो आप सही पौधा सही टाइम पे सही ग्रो बैग में सही मिट्टी में लगाएंगे तो काम आएगा। इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसमें इट इज़ 100% ऑर्गेनिक टोमेटोज, हमने इसमें किसी भी कोई DAP कोई यूरिया कोई NPK का इस्तेमाल नहीं किया है। जब इसमें फल लग गया था तो मैंने नीम की खली और सरसों की खली का पानी सड़ाने के बाद 5% मतलब 5 लीटर में 5 लीटर हमने उसका लिक्विड लिया और 100 लीटर पानी लिया, उसमें लेकर के पानी हमने 2 बार डाला, एक बार जब ये फल सेट होने लगा था तब हुआ था, जब फल मैच्योर हो गया तब लगा। और इसमें मैं रेगुलर जो है नीम की जो नीम ऑयल होता है वो नीम के ऑयल का मैं रेगुलर छिड़काव करता रहता हूँ, तो उससे क्या होता है कि कोई भी चिड़िया है वो इसको अटैक नहीं करती, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता। आप देखिए ये पूरा का पूरा जो टमाटोज है इतने 42 डिग्री सेंटीग्रेड में पूरा छत पर रखा हुआ है, इट इज़ इन फुल हीट, कहीं भी किसी प्रकार की एक भी रोग नहीं है, ये बात है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि साइड से इसको काट दिया करें, और जितना है और जितनी जो वेस्ट पत्ती होती है अगल बगल से, ये पत्ती मैंने काटी है, ये पत्ती काटी है, ये पत्ती काटी है, तो पत्ती काटने से क्या होता है कि जो नीचे से पावर ऊपर आ रही है वो पत्ती में न जा कर के सीधे सीधे टमाटर में ट्रांसप्लांट हो जाएगी, तो ये बात का ध्यान रखें। तो अगर हम आपसे बात करें कि हमने आपसे किस किस विषय में बात करी है, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक तो ये है कि जैसे ही पौधा 6 इंच का होने लगे आप उसकी स्टेकिंग कर दें, पौधे की स्टेकिंग मतलब जब 6 इंच का हो जाए तो बांधें, डंडी हमेशा कम से कम आपको 3 से 4 फीट की डंडी लेनी है। ये इंटरमीडिएट टोमेटो की वैरायटी है, एक इनडिटरमेंट होती है एक डिटरमेंट होती है, इनडिटरमेंट होती है वो करीब 3 से 4 फीट जाती है, तो उसको आप अपने आप लगाएं। ये F1 टमाटर है, इंडियन ब्रीड का ही टमाटर है, और ये मैंने नामधारी सीड एक कंपनी है, नामधारी सीड्स का मुझे सैम्पल सीड मिला था, ब्रजेंद्र कुमार जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे सैम्पल सीड दिया था, और इसका मैं वीडियो बना करके उनको भी अपलोड करने वाला हूँ। उनका ये कहना था ये टमाटर 45 डिग्री तक जरा सा भी क्रैक नहीं करेगा, जो नॉर्मल टोमेटोज होता इसमें आप देखेंगे बाजार में तो टमाटर में ऊपर में आपको यहाँ से क्रैकिंग मिलेगी, इस टमाटर में क्रैकिंग नहीं मिलेगी आपको। ये टमाटर बहुत जूसी टमाटर है, ये टमाटर सलाद में सब्ज़ी में, और अगर आप इसकी प्यूरी बनाना चाहें सॉस बनाना चाहें, और इसकी जो वेस्ट लाइफ है, जैसे ये टमाटर आप देख रहे हैं दिस इज़ रेडी फॉर दिस विल बी मेकिंग सॉस, इसकी आज जाएगा सॉस बनाने के लिए, और आप समझ लीजिए एक टमाटर के पेड़ में 10 से 12 किलो टमाटर होता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, और मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो के पहले जो मैंने आपको 3 लिंक दिए हुए हैं कि हाउ टू ग्रो टोमेटोज वो आप ज़रूर देखें। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई आपके मन में डाउट है, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं
वो करें। इस टमाटर की जो टोटल एज है आज के दिन में ये करीब 89 डेज हुआ है, मतलब ट्रांसप्लांट करने से लेकर आज तक, और ये एक महीने के बाद इसकी फलत जो थी वो चालू हो गई थी। उस समय संख्या कम थी, जैसे जैसे पौधा बढ़ता गया वो करते गए। ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि नीचे से जो कई सारी ब्रांचेज आती हैं सबको अलाउ ना करें, आप सिर्फ दो ब्रांचेज अलाउ करें। आप देखिए एक एक बंच के अंदर में यू कैन हैव ए लुक, एक एक बंच में सात सात आठ आठ टमाटर जो है आया है। ये नामधारी सीड का टमाटर है 5023, ये मुझे सैम्पल सीड मिला था एंड आई एम सो हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस। एक भी क्रैकिंग नहीं हुई, हाईली डिजीज रेजिस्टेंट है और यूनिफॉर्मली पकता है। हार्डनेस फर्मनेस बहुत है, इसकी वेस्ट लाइफ बहुत अच्छी है। इस टमाटर को अगर आपको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो बहुत आसानी से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको टोमेटोज़ के बारे में बताया था, जो स्टैंडर्ड टोमेटोज़ होते हैं जो नॉर्मली बाज़ार में हम लोग को मिलते हैं, उसका मैंने आपको पूरा मैनेजमेंट बताया था कि कैसे उसकी मिट्टी प्रिपेयर करनी है, कैसे उसको रोटरे में लगाना है, रोटरे के बाद कैसे छोटे से पॉली बैग में शिफ्ट करना है, उसके बाद फिर फाइनली बड़े ग्रो बैग में कैसे शिफ्ट करना है। आइए हम आपको बताते हैं चेरी टोमेटोज़ के बारे में, जो कि पीछे के दिनों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है और इसकी जो वैल्यू है, मतलब एथिकल वैल्यू है, वो बहुत ज़बरदस्त है। लोग इस चेरी टोमेटोज़ को बहुत से चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, पास्ता है, तो ये एक अलग रेट में टमाटो बाज़ार में जाता है। ये देखिए, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हैंडमेड ग्रो बैग है जिसकी एज 8 साल हो गई है और ये यहीं रखा हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 2.5 फिट है और इसकी जो विड्थ है वो 1 फिट है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी अंदर आ जाती है। तो इसमें मैंने एक पेड़ में 4-4 टोमेटोज लगाए हैं, टोटली मेरे पास 4 वेराइटीज़ हैं टोमेटोज की। एक है एबलोंग शेप में, आप ये देखें इसका जो शेप है वो एलिप्टिकल शेप है, इसका शेप है। इसी येलो है, मतलब ये बेसिकली ऑरेंजिस टोमेटो हो जाता है पकड़ के। ये आप देखें, ये गोल गोल येलो टोमेटो है। ये देखें आप, ये रेड टोमेटो है, रेड में एबलोंग है और इसी के अंदर पीछे की तरफ जो लगा हुआ है वो गोल रेड लगा हुआ है। ये सभी टोमेटोज की जो वेराइटीज़ हैं वो इंडियन वेराइटी हैं, कुछ यूनाइटेड फॉस्फोरस के द्वारा ली गई हैं, उसका नाम है नागमोती, और दूसरी सकूरा सीड्स बेंगलोर की एक वेराइटी है, ये मैंने उनसे सीड लिया था। ये वैरायटी एक तो जो मुझे मिला थी वो फेमस सीड्स इलाहाबाद में मिस्टर अभिनव के सरवानी हैं, उनके पास सकूरा सीड की तरफ से सैंपल सीड आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जोशी जी आप इसको जो है अपने यहाँ ग्रो करके देखिए। तो मैं इसके परफॉर्मेंस से इतना खुश हूँ कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है कि मैं इसको पिछले 3 महीने से कभी एक कभी दो, और पिछले मैं 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि ये लगातार ज़बरदस्त फलता जा रहा है। मतलब हम देखिए, आप ये देखें, अगर आप ध्यान से देखिए, सब यहाँ से टोमेटोज ऊपर से तोड़े जा चुके हैं। आप देखें यहाँ पे सब टोमेटोज तोड़े जा चुके हैं। इसके बाद आप देखें ब्यूटी इसकी, इसको मैंने फिर से लिक्विड मैन्योर दिया है, उसको मैंने फिर लिक्विड मैन्योर दिया है, तो आप देखें फिर से इसमें जो है फ्रूटिंग आ रही है। टोटल इसको 90 डेज आज के दिन में रीपॉटिंग के बाद से 90 डेज हुए हैं और 10 दिन जर्मिनेशन में लगे थे, तो इस तरीके से इसकी एज जो है वो 100 डेज है। और इसको मैं पिछले 2 से 2.5 महीने से लगातार खा रहा हूँ, और ये मात्र 12 टमाटर के पौधे हैं। ये 3 ग्रो बैग में लगे हुए हैं, 1, 2 और ये तीसरा, ये एक देखिए आप, ये थर्मोकोल के अंदर लगा हुआ है। इतनी ज़बरदस्त बम्पर क्रॉपिंग है। इसमें भी मैंने वही मैनेजमेंट इस्तेमाल किया था कि मैं हर 10 दिन के बाद में नीम का के ऑयल का छिड़काव एट ए रेट ऑफ 2%, वो मैं लगातार करता रहा। और इस वाले केस में चूँकि ये डेलिकेट है, इसमें मैंने क्या किया कि जब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो मैं ऊपर से इसकी वॉशिंग करने लगा। तो वॉशिंग करने से क्या हुआ कि जो छत पे ये चीज़ पीछे देखिए, आप देखें ये पीछे पॉली हाउस बना हुआ है, थोड़ा स्मॉल पॉली हाउस है 100 स्क्वायर फीट में, तो इसमें क्या होता है कि पॉली हाउस के अंदर में वाइट फ्लाइज आ जाती हैं, तो ये नीम ऑयल होने की वजह से वाइट फ्लाइज़ का आना बंद हो गया। और जो वाइट फ्लाइज़ नहीं आती हैं तो नॉर्मल जो बटरफ्लाई होती हैं या मक्खी होती हैं, तो उसके पॉलिनेशन से इसमें काफ़ी ज़्यादा फल का रुकाव हुआ। आप देखें एक ही में टूट चुका है, ये फल चुका है, और आगे देखें कितना स्मॉल है, ये धीरे धीरे करके ये कितना स्मॉल फ्रूट है। देखें ये भी है, ये भी बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा। आप ये देखें ये अंदर, ये रेड वाला
आप देखिए इसमें से ऑलरेडी 3 फल तोड़े जा चुके हैं और देखिए अभी भी रेडी है। इसी तरीके से आप इसकी देखें तो इसमें जो मैंने लिक्विड मैन्योरिंग करी थी वो उसमें मैंने 3 किलो सरसों की खली और 1/2 किलो नीम की खली पानी में भिगो दिया था। जब वो 1 महीने के लिए प्रॉपरली फर्मेंट हो गई, सड़ गई, तो उसका 5% पानी, मतलब एक लीटर अगर हमने वो लिया हुआ है तो उसमें 5 ml पानी 5% के हिसाब से वो मैंने लिया था। और इसमें मैंने कुल मिलाकर के 3 बार वो डाला हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पौधा लगाते हैं इनिशियली तो जो इस खाद की ताकत है वो पौधा ऊपर आने तक ले लेता है। अगर आप उसमें लिक्विड मैन्योरिंग नहीं करेंगे तो फल की साइज़ जो होगी वो बड़ी नहीं होगी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये है कि लिक्विड मैन्योरिंग ज़रूर करें। मैंने पहले जो 3 लिंक दिए थे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सॉइल की प्रिपरेशन, इसके बाद सीड बेड प्रिपरेशन फॉर प्रोट्रे, उसके बाद सीड कैसे डालना है, सीड में कितना पानी डालना है, सीड जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो 10 डेज का तो कैसे उसको ट्रांसप्लांट करना है। इतने बड़े ग्रो बैग में जिसकी कि 1 से 1.5 फीट विड्थ है, इसमें आप 4 पौधे जो है चारों कॉर्नर में आप देखें, मैंने बीच में कोई भी पौधे नहीं लगाए हैं, हमने एक इस किनारे में एक किस के दिया। आप ध्यान दें किनारे में लगाने की वजह क्या है, जब किनारे आप लगाते हैं तो उसको पूरा का पूरा ये जो ये विड्थ है ये मिल जाती है, तो इसको स्पैन काफ़ी लंबा मिल जाता है जड़ ग्रो करने का। जितनी ज़्यादा जड़ ग्रो करेगी उतनी ज़्यादा आपकी पौधा हेल्दी होगा, पौधा जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी, जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी उतनी ज़्यादा फ्रूट सेट होगा। तो आप ये चीज़ आप जब घर में खाना खाते हैं, खाना खाने के पहले सलाद आप इसको खाएं, इसका टेस्ट देखें, ये किसी भी मामले में अंगूर से कम नहीं है। अब इस समय जो स्पेंसर्स है या बिग बाज़ार है जिसको रिलायंस ने ले लिया है, वो वहाँ पर 50 पीसेस वो 150-200 रुपये के मिल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन वो। तो आप अपने यहाँ ये ज़रूर लगाएं अपने घर में। चेरी टोमेटोज कैसे मिलेगा, हम आपको नीचे जो लिंक दिया है उसमें आपको मैं फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। ग्रो बैग कहाँ से मिलेगा वो बता दूंगा। नीम ऑयल कहाँ मिलेगा वो बता दूंगा। अगर आपको किसी प्रकार की और कोई डाउट है, ये ज़रूर ध्यान रखें कि सही पौधा सही वक्त पे लगाना और सही सीड बेड प्रिपरेशन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। रख रखाव के लिए खाली नीम ऑयल का स्प्रे 2% और रेगुलर पानी का स्प्रे, ये आपको लॉन्ग रन में आने वाले टाइम में बहुत पे करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।